हेलो गाइस, तो आज हम कुछ इस तरह की स्काई स्टार वीडियो के एडिटिंग करने वाले हैं कि वो अपने वीडियो में किस तरह से बिहाइंड में नियॉन इफेक्ट लगाते हैं, किस तरह से अपने वीडियो में स्टिकर को यूज़ करके कहाँ से वो स्टिकर इस तरह के लाते हैं, किस तरह से अपने रोल को 2, 3, 4, 5 में डिवाइड करते हैं, वो सभी चीज़ें आज मैं आपको इस वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। जो भी इस तरह के वीडियो को क्रिएट करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आप वो चीज़ें समझ पाए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले और भी बेहतरीन वीडियो को देख सको सबसे पहले। तो फिर चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको इस तरह के वीडियो एडिटिंग करने के लिए यहाँ पे आपको चाहिए कैपकट ऐप। लेकिन यहाँ पे आपको कैपकट ऐप को यहाँ पे ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले कोई भी वीपीएन को यहाँ पे ओपन कर लेना होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं चलिए सिक्योर वीपीएन को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो आप प्ले स्टोर से कोई भी वीपीएन को यहाँ पे ओपन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं इसे कनेक्ट कर लूँगा। ओके, तो यहाँ पे आपको कोई भी वीपीएन को यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अपने कैपकट ऐप में चले जाना हो और यहाँ पे आपको उस ऐप को यहाँ पे ओपन कर लेना। ओके, तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है यहाँ पे आपको टैप करना है और यहाँ पे आपने जो भी वीडियो को शूट किया उसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना। ओके, तो यहाँ पे मैं चलिए कोई भी वीडियो को यहाँ पे ओपन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे चलिए इस वाले वीडियो को यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आप अपने रोल को किस तरह से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ओके, मतलब कि आप अपने बॉडी को यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट में किस तरह से डिवाइड कर सकते हो वो मैं आपको यहाँ पे पहले बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे आपको अपने वीडियो पे यहाँ पे टैप करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे स्लाइड करना होगा और यहाँ पे ये करने के बाद आपको यहाँ पे जो कॉपी वाला आइकन दिख रहा है ओके यहाँ पे आपको टैप करना, और यहाँ पे आपको ये करने के बाद आपको यहाँ पे इस वाले वीडियो पे यहाँ पे टैप करना और यहाँ पे आपको वापस स्लाइड करना और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ओवरली वाला आइकन दिख रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरली वाला आइकन यहाँ पे आपको टैप करना और यहाँ पे आपको इसे प्रेस करना और यहाँ पे आपको इसे स्लाइड करके यहाँ पे सबसे आपको आगे रख देना। ओके, तो यहाँ पे आपको इस तरह से इसे आगे रख देना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे इस वाले वीडियो पे टैप करना और यहाँ पे आपको स्लाइड करना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हो रिमूव बैकग्राउंड। ओके, यहाँ पे आपको टैप करना है और यहाँ पे आपको रिमूव बैकग्राउंड पे टैप करना होगा। तो यहाँ पे थोड़ी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद आपको यहाँ पे जो हमारी बॉडी उसके यहाँ पे जो बैक वाला जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे पूरी तरह से इरेजर हो जाएगा। ओके गाइस, तो उसके बाद आपको यहाँ पे से बैक कर लेना है, बैक बैक। ओके, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो हमारे नीचे वाले वीडियो है ओके यहाँ पे जो ओवरली वाले जो वीडियो है ओके वहाँ पे आपको टैप करना और यहाँ पे आपको इसे छोटा कर लेना। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा सिर्फ बॉडी वाला पार्ट है वो यहाँ पे अलग हो चुका है। ओके, तो उसके बाद अगर आपको यहाँ पे मोशन वाला इफेक्ट लगाना तो इस वाले वीडियो को आपको कहीं भी रख देना। ओके, तो यहाँ पे चलिए इसे यहाँ पे ऊपर रख लेते। ओके, तो उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे आगे चले जाए और यहाँ पे आपको क्रीप हमको यहाँ पे टैप करना और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो ऊपर यहाँ पे जो प्ले बटन है उसके साइड में यहाँ पे जो प्लस वाला आइकन दिख रहे हैं यहाँ पे आपको टैप करना और यहाँ पे आपको बीच में चले जाना और यहाँ पे भी आपको की फ्रेम को यहाँ पे अप्लाई करना और यहाँ पे आपको थोड़ा आगे जाना और यहाँ पे वापस से आपको प्लस वाला आइकन में टैप करना और यहाँ पे आपको की फ्रेम को यहाँ पे अप्लाई करना। ओके, और यहाँ पे आपको इसे जहाँ भी आपको रखना उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रखना। ओके, यहाँ पे मैं जैसे आपको दिख रहा हूँ। ओके, तो उसके बाद अगर आपको यहाँ पे और भी यहाँ पे रोल को यहाँ पे क्रिएट करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको इस वाली वीडियो पे यहाँ पे वापस से टैप करना है, यहाँ पे आपको इस वाली वीडियो पे यहाँ पे टैप करना और यहाँ पे आपको वापस स्लाइड करना और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको वापस से इसका यहाँ पे डुप्लीकेट मतलब कि आपको यहाँ पे इसका कॉपी पार्ट कर लेना। ओके, और यहाँ पे आपको इसे प्रेस करके यहाँ पे सबसे आगे फिर से ला देना। ओके, यहाँ पे आपको इस तरह से इस वाले वीडियो को यहाँ पे इस वीडियो के नीचे आपको ला देना। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे क्रीप हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड वाला क्रीप हमको यहाँ पे आपको टैप करना। ओके, और यहाँ पे आपको इसे प्रेस कर लेना। ओके, यहाँ पे आपको इसे माइनस करके यहाँ पे इसे इस वाली क्रीप को यहाँ पे हटा लेना। ओके, और यहाँ पे आपको यहाँ पे और यहाँ पे आपको वापस से सेकंड वाले क्रीप पे आपको चल जाना और यहाँ पे आपको माइनस कर लेना। ओके, और यहाँ पे आपको इसे यहाँ पे थोड़ा नीचे रखना। ओके, और यहाँ पे आपको थोड़ा आगे जाना और यहाँ पे आपको क्रीप को यहाँ पे लगाना। ओके, और यहाँ पे आपको इस वाले जो हमारी जो वीडियो ओके उसको आपको यहाँ पे इतना स्लाइड करना होगा, यहाँ पे चलिए इसे नीचे रखूँगा। ओके, और यहाँ पे मैं इसे यहाँ रखूँगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे दो रोल यहाँ पे एक साथ आ रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आपको इस तरह से जितने भी आपको यहाँ पे रोल को यहाँ पे एडिट करना होगा 5, 6, 7 उस तरह से आपको यहाँ पे इसी तरह की प्रोसेस को यहाँ पे अप्लाई करना होगा। यहाँ पे वापस टैप करना है और यहाँ पे आपको इसका कॉपी कर लेना है। ओके, और यहाँ पे आपको इसे प्रेस करके और यहाँ पे आपको इसे प्रेस करके यहाँ पे नीचे रख लेना। ओके, चलिए मैं इसे भी यहाँ पे नीचे रख लेता हूँ। तो आपको इस तरह से इस वाले वीडियो को भी यहाँ पे नीचे रख लेना। ओके, और यहाँ पे आपको इस क्रीप को यहाँ पे माइनस कर लेना। ओके, माइनस,
और यहाँ पे भी इस पे आपको यहाँ पे माइनस कर लेना ओके। और यहाँ पे हमारा जो वीडियो ओके यहाँ पे आपको टैप करें और यहाँ पे आपको इसे यहाँ पे कहीं जो चलिए यहाँ पे मैं इसे ऊपर रख लेता ओके। और यहाँ पे मैं थोड़ा आगे जाऊँगा और यहाँ पे मैं वापस से क्लिप को यहाँ पे अप्लाई करूँगा ओके, प्रेस कर दूँगा। और यहाँ पे मैं इस वाले वीडियो को यहाँ पे इतना रखूँगा ओके। तो यहाँ पे मैं चलिए फिर से दिखा देता हूँ ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे तीनों रोड यहाँ पे एक साथ आ रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे सही से लाइन में रखना हो तो आपको इस तरह से यहाँ पे सभी रोड को यहाँ पे आपको रख लेना ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे टोटल 4 यहाँ पे रोड हो चुके होंगे। तो यहाँ पे आप इस तरह से रोड की एडिटिंग यहाँ पे कर सकते होके। तो फिर चलिए यहाँ पे हमारा जो पहला एडिटिंग है वो यहाँ पे पूरा हो चुका होके। तो उसके बाद आप अपने वीडियो में किस तरह से बैक साइड में नियन वाले इफेक्ट यहाँ पे लगा सकते होके। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो इफेक्ट वाला आइकन दिख रही है यहाँ पे आपको टैप करना और यहाँ पे आपको बॉडी इफेक्ट पे आपको यहाँ पे चले जाना होके। यहाँ पे थोड़ी प्रोसेसिंग होगी ओके। तो यहाँ पे आपको बॉडी पे चले जाए और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे इफेक्ट हैं। तो आपको यहाँ पे जो भी अच्छे लगे उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो स्काई शर्ट है वो यहाँ पे इस तरह की जो यहाँ पे न्यू इफेक्ट है वो यहाँ पे तो यहाँ पे मैं चल इस वाले इफेक्ट को यहाँ पे अप्लाई कर देता ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे ए वाली इफेक्ट यहाँ पे कितनी बढ़िया दिख रही है। तो यहाँ पे अगर आपको और भी यहाँ पे इफेक्ट लगाना हो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली भी इफेक्ट यहाँ पे कितनी बढ़िया दिख रही है। यहाँ पे आपको कोई भी इफेक्ट भी आपको यहाँ पे टैप करना है। यहाँ पे ये जो इफेक्ट है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो चुके होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे स्लाइड करना है और यहाँ पे आपने वो वाला भी वीडियो देखा होगा जिसमें उनके आईज में से यहाँ पे आईज रिफ्लेक्शन हो रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको इस वाली यहाँ पे टैप करना है। तो आप इस तरह से भी यहाँ पे आईज रिफ्लेक्शन वाला इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते होंगे। यहाँ पे आपको आगे जाना है, इमोशन में जाना है और यहाँ पे आपको इमेज में चल जाए। तो यहाँ पे आपने वो वाली भी स्काली सर के वीडियो को यहाँ पे देखा होगा कि वो अपने फेस पे यहाँ पे इमोजी वाली यहाँ पे वीडियो को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी आप इस तरह से यहाँ पे इमोजी फेस को यहाँ पे अप्लाई कर सकते होंगे। यहाँ पे आपको इसे डन करना। तो आप इस तरह से अपनी बॉडी के बिहाइंड में न्यू इफेक्ट लगा सकते हैं और तो और आप अपने फेस पे इस तरह से यहाँ पे फेस इमेज यहाँ पे अप्लाई कर सकते होके। तो यहाँ पे हमारी जो सेकंड वाली एडिटिंग थी वो मैंने आपको बता ली होगी। उसके बाद आपने वो वाली वीडियो देखी होगी, वो अपने वीडियो में बहुत सारे स्टिकर को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो वो कहाँ से यूज़ करते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे स्लाइड करना और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो स्टिकर वाला आइकन दिख रही है यहाँ पे आपको टैप करना है और यहाँ पे आपको स्टिकर पे यहाँ पे वापस से टैप करना है। तो यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग होगा ओके। तो यहाँ पे मैं पहले बताया कि वो जो बादल वाले वीडियो था वो भी उसको आपको यहाँ पे टैप करना है। तो यहाँ पे आप टैप करके तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो बादल वाले वीडियो यहाँ पे आ जाएगा ओके। तो यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट है ओके, तो जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैं चलिए इसे यहाँ पे रख लेते ओके। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी स्टिकर को यहाँ पे यूज़ करना उसको आप यहाँ पे कर सकते हो ओके। तो यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना होके। तो यहाँ पे साउंड में जो है उसको आपको यहाँ पे बता दिखाना होके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे स्टिकर होके हार्ट वाला, तो यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग हो रहा है ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो भी इफेक्ट यहाँ पे जो भी स्टिकर आपको यहाँ पे अच्छा लगे उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो ओके। तो यहाँ पे आपको अपने सॉन्ग के हिसाब से यहाँ पे अप्लाई करना होके। तो यहाँ पे अगर आपको चलिए यहाँ पे इस वाली यहाँ पे चलिए इस वाले बर्ड को यहाँ पे अप्लाई करता होके। तो यहाँ पे आपको टैप करना और यहाँ पे आपको इसे अपने हिसाब से यहाँ पे आपको इसे रख लेना ओके। तो यहाँ पे मैं वापस से स्टिकर में जाऊँगा ओके स्टिकर। तो यहाँ पे मैं चले यहाँ पे मुझे एरोप्लेन वाले एनिमेशन यहाँ पे स्टिकर को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं इसे टैप करूँगा और यहाँ पे मैं इसे रख लूँगा ओके। यहाँ पे आपने देखा होगा कि वो अपने वीडियो में स्टिकर को यहाँ पे मोशन कर रहे थे। तो यहाँ पे आपने जो भी स्टिकर को लिया है उस पर आपको यहाँ पे टैप करना और यहाँ पे आपको क्रीप को यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे यहाँ पे टैप करना और यहाँ पे आपको क्रीप को यहाँ पे अप्लाई करना और यहाँ पे आपको आगे चले जाना ओके। और यहाँ पे आपको वापस प्लस कर लेना और यहाँ पे आपको जहाँ भी आपको रखना उसको आपको यहाँ पे रख लेना ओके। तो यहाँ पे आप देख सको यहाँ पे हमारा जो स्टिकर वो यहाँ पे मोशन हो रहा है ओके। यहाँ पे इस तरह से स्टिकर को यहाँ पे यूज़ करके यहाँ पे मोशन वाले इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो ओके। तो यहाँ पे आपने और भी वीडियो में दिखा होगा तो अपने वीडियो में किस तरह से कार वाली पीएनजी को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो कार वाला जो पीएनजी वो यहाँ पे स्टिकर में आपको नहीं मिलेगा ओके। तो वो आपको गूगल से डाउनलोड कर लेना होगा ओके और उसकी यहाँ पे पीएनजी को आपको यहाँ पे क्रिएट करना। उसके बाद आपको यहाँ पे इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे ओवरव्यू में जाना होगा और यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे यहाँ पे टैप करना है और यहाँ पे आपने जो भी पीएनजी को यहाँ पे कार के जो पीएनजी उसको आपको यहाँ पे ओपन करने के बाद तो यहाँ पे आपको क्रीप को यहाँ पे यूज़ करके आपको उस कार को यहाँ पे अप्लाई कर देना होके। इस तरह से स्काई स्टार के जो भी वीडियो है वो आप इस तरह से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो ओके। तो स्काई स्टार वो पूरी एडिटिंग यहाँ पे कैपकट ऐप में करता है ओके। जितनी भी एडिटिंग हो ओके वो सब इसी ऐप में करता है ओके। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से आपको अपना दिमाग लगेगा यहाँ पे आपको एडिटिंग करना है ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ओके। तो फिर चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।